पाकिस्तान ने दुनिया को दिखाने के लिए जेल में बंद कुलभूषण की मुलाकात मां और पत्नी से करवा दी, लेकिन इस मुलाकात को मजाक बनाने वाली हरकत करके पाकिस्तान ने दुनिया को धोखा दिया है। शीशे की दीवार के आर पार से कुलभूषण की परिवार से मुलाकात करवाई गई है। एक तरफ कुलभूषण जाधव बैठे हैं, दूसरी तरफ उनकी मां और पत्नी, और बीच में शीशे की दीवार। सवाल यह है कि यह मुलाकात है या फिर मजाक। 22 महीनों से पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय कुलभूषण जाधव से आज उनकी पत्नी और मां की मुलाकात की तारीख मुकर्रर की गई थी। जाधव की पत्नी चेतना और मां अवंतिका मुलाकात के लिए इस्लामाबाद पहुंचे। तब एक रोशनी की किरण नजर आई थी, एक उम्मीद जगी थी, एक मां अपने बेटे को गले लगा पाएगी, एक पत्नी अपने पति से लिपटकर अपना दुख बता पाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान ने यहां भी एक चाल चल दी। जाधव और उनके परिवार के बीच शीशे की एक मोटी दीवार खड़ी कर दी और दोनों तरफ टेलीफोन रखे गए, और फिर पाकिस्तानी अधिकारियों की निगरानी में जाधव और उनके परिवार ने आमने सामने बैठकर फोन के लाउडस्पीकर के जरिए बात की। और इस बीच जाधव की मां और उनकी पत्नी के साथ गए भारतीय डिप्लोमेट जेपी सिंह को इस पूरी बातचीत से दूर रखा गया। उन्हें एक और शीशे के पीछे खड़ा किया गया ताकि वो परिवार और जाधव के बीच हो रही बातचीत को सुन ना सके। जाधव और उनके परिवार के बीच करीब 47 मिनट तक मुलाकात चली। पूरे 47 मिनट तक एक माँ अपने बेटे को छूने के लिए तरसती रही, एक पत्नी अपने पति के इतने करीब आकर उसे ढंग से निहार ना सकी। सवाल यह है कि यह मुलाकात है या मजाक। माँ बेटे और पति पत्नी के बीच शीशे की दीवार क्यों? ये कैसी मुलाकात है जिसमें एक बेटा अपनी माँ के पैर भी नहीं छू सका? ये मुलाकात है या फिर खानापूर्ति? पत्नी अपने पति से सीधे सीधे बात तक नहीं कर सकी। जब कई कैमरों और अफसरों के सामने मुलाकात हो रही थी तो पाकिस्तान को आखिर किस बात का डर था? खैर, जो भी हो, जैसा भी हो, जाधव ने अपनी मां और पत्नी को सामने से देखा तो शिष्टाचार के तौर पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। And I've been informed that my mother and my wife are coming over to meet me. And I'm really thankful to the government of Pakistan for showing this. कुलभूषण जाधव इंडियन नेवी के पूर्व अफसर हैं। जासूसी के झूठे आरोप लगाकर पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को ईरान से गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उन पर पाकिस्तान के आर्मी कानून के तहत मुकदमा चलाया गया। सुनवाई के बाद पाकिस्तान की अदालत ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई। हालांकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भारत की दलीलों के बाद कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक लगा दी गई थी। फांसी टलने के बाद जाधव आज अपनी पत्नी और मां से मिल पाए। इस मुलाकात की एक और खास बात रही कि पूरी बातचीत को पाकिस्तान ने 3 टीवी कैमरों से रिकॉर्ड किया, जबकि 2 सीसीटीवी कैमरे पहले से वहां लगे हुए थे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तानियों ने ज्यादा समय उनको दिया होगा मिलने के लिए, इतने साल के बाद इतनी गंभीर इशू पर भी। और हाई कमिश्नर के डिप्टी हाई कमिश्नर को नहीं मिलने दिया, इसका मुझे आश्चर्य नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी शुरू से कहते हैं हाई के काउंसलर एक्सेस नहीं होगा। यानी साफ है कि पाकिस्तान ने दुनिया में वाहवाही लूटने के लिए ऐसा किया, दुनिया के सामने अपनी अच्छी छवि पेश करने की कोशिश की, लेकिन मीडिया माइलेज लेने का उसका ये प्रोपोगंडा मुलाकात की पहली तस्वीर आते ही दुनिया के सामने बेनकाब हो गया। इतना गंदा मजाक किया गया है पाकिस्तान की ओर से। फिलहाल इस पूरे मामले में पाकिस्तान की अब सफाई सामने आई है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की ओर से क्या कुछ कहा गया है जरा देखिए आप। भारत को शीशे की दीवार के बारे में पहले से जानकारी दी गई थी, वो इसका विरोध नहीं कर सकते हैं। कुलभूषण जाधव को भी इसके बारे में पहले से पता था। सुरक्षा कारणों से हमने सीधे पास जाकर मुलाकात करने की इजाजत नहीं दी। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय की ओर से शीशे की दीवार पर ये सफाई सामने आई है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।